सो है गाइस स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड पीसी ज्वेलर के अंदर आप देखोगे आज फिर से हम एक हैवी वॉल्यूम लगते नजर आई है और इस वॉल्यूम को देखते हुए आप देखोगे फिर से सेबी भी जो ना स्ट्रिक्ट हो चुकी है ठीक है आप देखोगे स्टॉक के अंदर काफ़ी टाइम से आपको जो है ना बिग ऑपरेटर गेम देखने को मिल रहा है बड़ी बड़ी डीलें हो रही है स्टॉक के अंदर बल्क में जो माल है वो उठाया जा रहा है सेल किया जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो खींच रहे हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये जो मोटे इन्वेस्टर्स हैं ना ये एकदम से ज़्यादा पैसा लगाते हैं जो हैवी वॉल्यूम है वो क्रिएट करते हैं तो इन सब के ऊपर आप देखोगे एक बड़ी अपडेट आई है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस शेयर के अंदर क्या अब फिर से तेजी लौटेगी या फिर नहीं 25 क्या क्या इसका सपोर्ट फिर से है या फिर नहीं तो आपके बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि पब्लिक जो है स्टॉक को हाई लेवल से उठाकर फंसी हुई है काफ़ी टाइम से आप देखोगे बड़ा लॉस कंपनी ने दिया है वहीं आप देखोगे ए अपडेट की बात करें तो कंपनी का जो शेयर है वो आपको अभी भी ए एस के फर्स्ट स्टेज में एक्टिव देखने को मिल रहा है जो कि लॉन्ग ए एस है चलिए भाई देखते हैं अब इसके जो आज के वॉल्यूम लगी यहाँ पर आप देखोगे बीस लाख के, के आसपास स्टॉक में वॉल्यूम लगते नजर आई है एन एस यू बी एस सी दोनों के अंदर वहीं आप देखोगे भी पीछे भी हमें जो ना करोड़ों में वॉल्यूम लगते नजर आए थे स्टॉक के अंदर उस दिन स्टॉक पंप हुआ तो पंप एंड डंप स्टॉक के अंदर चल रहा है ये पंप एंड डंप सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर कर रहे हैं पब्लिक को देखो भाई एक हैवी वॉल्यूम क्रिएट करके स्टॉक के अंदर ये पंप करते हैं फिर सभी पब्लिक जो ना बाइंग की तरफ भागेगी बाय करने की तरफ भागेगी और इसके ऊपर मैंने कल वाली वीडियो में आपको क्लियर बोल दिया था कि स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत तेजी बनेगी ठीक है सुबह स्टॉक आपको मूवमेंट दिखाएगा और स्टॉक के अंदर एलजी तो डेफिनेटली लगेगा ये मैंने हमारी कल वाली वीडियो में बोल दिया अगर स्टॉक आपको अप डाउन करते नजर आए तो स्टॉक से अपना पैसा निकाल लेना ये आपको क्लियर कट शब्दों में बोल दिया था कल वाली वीडियो में अब यहाँ पर आप देखोगे भी स्टॉक के अंदर क्या अपडेट आई है चलिए उससे पहले हम देखते हैं कि भाई स्टॉक के अंदर क्या ये जो 20 लाख की वॉल्यूम लगी है क्या इसकी वजह से स्टॉक में फिर से तेजी के चांसेस हैं या फिर नहीं यहाँ पर आप देखोगे पंप एंड डम्प करें ना स्टॉक को तो ये बड़ी इन्वेस्टर्स की चाल है छोटे इन्वेस्टर्स को फंसाने की ये क्या करेंगे नीचे के लेवल से स्टॉक को उठा लेंगे जैसे स्टॉक ऊपर चलना स्टार्ट कर देते हैं फिर ऊपर के लेवल से धीरे धीरे अपना जो माल है वो निकालना स्टार्ट करते हैं फिर ऊपर के लेवल से आप देखोगे हैवी वॉल्यूम क्रिएट करके सेलिंग प्रेशर लगा देते हैं सेलिंग प्रेशर की वजह से आप देखोगे स्टॉक टूटता है फिर सभी पब्लिक भी जो है निसल की तरफ भागते हैं एल लगते ही फिर स्टॉक नॉन स्टॉप आपको एल दिखाता है फिर नीचे के लेवल से फिर उठा लेंगे पब्लिक को जो है ऐसे ही गुमराह करते रहते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे आर एस के लेवल्स एम एफ के ऊपर है आर एस आई थर्टी नाइन पर है दोनों के दोनों आप देखोगे भी अच्छी रेंज में है ज़रूर ठीक है एम एफ आई आप देखो ग्यारह के ऊपर है बहुत अच्छी रेंज है बट ये रेंज कुछ नहीं है भाई ये सारा का सारा जो डाटा है ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए है और असली जो ए, नतीजा है ना वो आप देखोगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में ये ऑपरेटर्स के हाथ में है ये चार पांच ऑपरेटर मिलकर जो है ना पूरे स्टॉक को कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि मार्केट कैप आप देखोगे कितना है ठीक है तो चार पाँच ऑपरेटर मिलकर आसानी से जो ना इसको ऑपरेट कर सकते हैं तो चलिए भाई देखते हैं क्या अपडेट आई न्यूज़ आप देखोगे अभी तीन घंटे पहले एक अपडेट आई है क्या अपडेट देखने मुझे मिले पीछे लिमिटेड के अंदर क्लेरिफिकेशन ऑन इंक्रीज इन वॉल्यूम तो वॉल्यूम के अंदर जो एकदम से इंक्रीजिंग हमें देखने को मिली है ठीक है पीछे आपने देखा होगा अभी वॉल्यूम हैवी लग रही थी स्टॉक के अंदर उस वॉल्यूम को देखते हुए भी कंपनी से जो क्लेरिफिकेशन मांगा है एक्सचेंज ने तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो द एक्सचेंज हैज शॉर्ट क्लेरिफिकेशन फ्रॉम पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड मार्च 27 ठीक है विद रेफरेंस टू तो मूवमेंट इन वॉल्यूम द रिप्लाई इज अवेटेड तो आप देखोगे भी एक्सचेंज ने जो अभी पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड से क्लियरिफिकेशन uh, मांगा है सत्ताईस so, तारीख को इसके अंदर जो वॉल्यूम में क्लियर सडनली मूवमेंट बने थे एक करोड़ प्लस की वॉल्यूम स्टॉक में लगते नज़र आई थी फिर स्टॉक ऊपर के लेवल से टूट रहा था तो उसे को देखते हुए आप देखोगे स्टॉक से जो है ना आप देखोगे एक्सचेंज ने कंपनी से क्लियरिफिकेशन मांगा है तो देखते भी क्या क्लियरिफिकेशन आता है कंपनी क्या सफाई देती है उसका जैसे ही नोटिस आ जाएगा वो आपके साथ जो हम ज़रूर शेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे भी ये बड़ी बड़ी अपडेटें हमें देखने को मिल रही है अगर बात करें इसके लेवल्स को लेकर कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे पी सी ज्वेलर्स के अंदर हमें कैसा डाटा देखने को मिला है पाँच परसेंट के स्टॉक में करेक्शन जरूर हुई है बट स्टॉक आपको जो ना अभी अप डाउन करते नजर आया था ओपन हुआ सत्ताईस पचानवे पर उसके बाद स्टॉक ने दो लगाया छब्बीस पैंतालीस का तो यहाँ से आप देखोगे भी एक, एक, एक सेल ऑर्डर जरूर लगा हुआ है चौबीस हज़ार छः सौ पचासी क्वान्टिटी का तो कुछ बड़ा सेल ऑर्डर नहीं है स्टॉक के ऊपर ठीक है लेकिन सेल ऑर्डर जरूर है डिलीवरी की बात करें तो आप देखोगे साढ़े सत्तावन परसेंट डिलीवरी डिलीवरी काफ़ी शानदार उठी है इसका मतलब स्टॉक में फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं या फिर आप बोल सकते हो कि ऑपरेटर जो है ना स्टॉक के अंदर for the same. घुसने वाले हैं तो यहाँ से स्टॉक को ये पंप करने वाले हैं फिर से आप देखोगे भी हमारा जो पहला सपोर्ट रहेगा नीचे में ट्वेंटी फाइव का है अगर ट्वेंटी फाइव को नीचे में काट गए ना फिर बीस रुपए के आसपास स्टॉक आपको आते नज़र आ सकता है अगर आप लोगों को इसके अंदर पाँच दस परसेंट का प्रॉफिट देना है तो ट्वेंटी फाइव के आसपास आप देखोगे स्टॉक में अगर तेजी बनती है ठीक है अगर यू से लगाए तब स्टॉक के अंदर बाइंग करने के बारे में सोचना अदरवाइज स्टॉक से दूरी बनाए रखना तो यहाँ से स्टॉक में फिर से तेजी के संकेत लौटे हैं तो अगर सेलिंग प्रेशर हैवी रहेगा तो कुछ भी नहीं कह सकते आई होप आपके सारे डाउट दूर होंगे स्टॉक को लेकर फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब होना मत भूलना थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो